तो गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि यदि आपके जीवन में सुख आता है या आपके जीवन में दुख आता है, या आपको अपने जीवन में लाभ मिलता है या आपको हानि मिलती है, या आपके जीवन में आपकी जीत होती है या आपकी हार होती है, आपको हमेशा अपने कर्तव्य के ऊपर अडिग रहना चाहिए। तो जिस प्रकार से अर्जुन जब वहाँ पे कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध करना अर्जुन का कर्तव्य था। तो अर्जुन का युद्ध करना कर्तव्य क्यों था? क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी, भगवान चाहते थे कि अर्जुन युद्ध करे। तो इसी प्रकार से हमारी लाइफ में हम सभी को अलग अलग कर्तव्य दिए गए हैं। हमारे लिए कुछ कर्तव्य हैं जो हमारे शारीरिक स्तर पे भगवान के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, हमें उन कर्तव्यों को पूरा करना है। और जब हम उन कर्तव्यों को अपने जीवन में पूरा करते हैं, तो अगेन सुखे दुखे, कभी हमारे जीवन में सुख आता है, कभी हमारे जीवन में दुख आता है। समय कृत्वा या लाभा लाभो जाय जयो, जब हमें उस कार्य को करते हुए कोई लाभ मिल रहा है या उस कार्य को करते हुए हमें कोई हानि मिल रही है, या उस कार्य को करते हुए हमारी जीत हो रही है जया जयो, या हमारी हार हो रही है, हमें अपने उस कार्य को समभाव से परफॉर्म करना है। ये हमारा कर्तव्य है। जिस प्रकार से अर्जुन का कर्तव्य था कि अर्जुन को युद्ध करना था, क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी, तो इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में जो हमारा शारीरिक स्तर पे कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। यानी इस शारीरिक स्तर के अलावा हमारा आत्मा के स्तर पे भी कुछ कर्तव्य है, हमें उस कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये भी भगवान की ही इच्छा है। तो जो भगवान को अपने जीवन को समर्पित करते हैं, वो भगवान की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं, और वो उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए वो इस संसार के लोगों को उसी दिशा के लिए प्रेरित करते हैं। सो सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख भी आएगा दुख भी आएगा, लाभ भी आए होंगे हानि भी होगी, हमें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हरे कृष्णा।